ऐ सूरज जरा ठहर भी जा तू, जिंदगी का सिलसिला अभी शुरू ही हुआ है। रहबर है मेरा तू रुक जा ओ शमसे गुलजार, की रूहानगी का सिलसिला अभी शुरू ही हुआ है। हेलो गाइस, सत श्री अकाल, जुले एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। तो आज लाहौल का चौथा दिन है, चौथे दिन हमें निकलना था मनाली के लिए, लेकिन फिलहाल रोहतांग पास पर बर्फ़ पड़ी है तो ट्रांसपोर्टेशन लगभग बंद है। तो आज हम जा रहे हैं SI-LHA GOMPA, ये गोंदला विलेज है यहाँ पे, केलोंग के पहले ही पड़ता है, तो यहाँ से पहाड़ी पे चढ़ना है, ट्रेक है थोड़ी दूर का, चलो निकलते हैं यार। दूर नदी किनारे एक छोटा सा गांव दिख रहा है ना, बस ऐसे ही एक गांव है रालिंग, जहां फिलहाल मैं पिछले 4 दिनों से ठहरा हुआ हूं। तो एक सच में दो पार हो गया है यहां पे, एक गोम्पा है, गोम्पा मतलब आश्रम है बुद्धिज्म का जो भी होता है, और जो जहाँ पे हम मेनली जा रहे हैं वो इसके आगे है, तो देखते हैं। बाकी ये जगह बहुत अच्छी है। जिस SI-LHA GOMPA की बात मैंने शुरू में ही की थी, एक्चुअली वो यही है। फिलहाल हमारे पास थोड़ा समय था तो हमने कहा कि चलो इस ट्रिप को ड्रिलबु पीक तक एक्सटेंड करते हैं। तो यार अब तक लगभग 1 किलोमीटर चल लिया होगा, हमें लगा था कि 1 किलोमीटर मिल जाएगा, पर अभी ऊपर दिख रहा है, पता नहीं कहाँ है, बस ऐसे लग रहा है कि पहुँचने वाले, थोड़ी सी हालत पतली हो रही है। तो यार हमेशा लग वो वाला पत्थर दिख रहा था, हमें लगा सबसे ऊपर है, पर वहाँ पहुँचने पता लगा उसके ऊपर बहुत ऊपर है। निखिल कह रहा है कि मत जाओ, पर मैं कह रहा हूँ कि चलो यार आधे घंटे में पहुँच जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, चलो देखो क्या होता है। वहाँ पे थे जब हम, वहाँ पे तो हमें ये वाला दिखा था कि सबसे टॉप जो है यही है, पर अभी मुझे लग रहा है कि और ऊपर तक है, क्योंकि ऐसे नीचे भी लग रहा था कि नीचे वाला टॉप है। देखो यार निखिल तो कह रहा है लौट चलो, क्योंकि इट्स 4:26 PM, तो हमें उतरने में भी 1 घंटे लग जाएंगे, और अगर रात हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगा, पर मैं सोच रहा हूँ आधे घंटे और देख लेता हूँ 5 PM तक, अगर पहुँच गए तो अच्छी बात है, और अगर नहीं पहुँचे फिर वहीं से पैकअप।
तो यार हम लोग ड्रिलबु पीक पे आ गए हैं, जहाँ जाना था हम अभी भी वहाँ नहीं पहुँचे। वो सामने अगर कैमरे में दिखा हो तो छोटा सा एक मंदिर टाइप का बना हुआ है पत्थर का, वहाँ जाना था। और ये है मेन कोर जिस पे चल के जाना है हमें। अभी टाइम हमारे पास बहुत कम है क्योंकि ऑलरेडी अंधेरा होना स्टार्ट हो गया है। सूरज जैसे ही सामने वाली पिक के लिए जाएगा वैसे अंधेरा हो जाएगा यहाँ पे, तो हमें अब उतरना भी है। तो बस पर सेटिस्फैक्शन है कि हम इतना ऊपर आ सके, और ऊपर से जो पहाड़ का पूरा रेंज का जो व्यू है भाई साहब खतरनाक। लाहौल का ये सिलसिला फिलहाल यहीं तक है। जल्द ही मिलूंगा एक नए सफर के साथ। मेरी जर्नी और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर लीजिए, और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए।